Assalamu alaikum, I am Ahmed Adim from group 5. Today we will be discussing about mental health and physical activity. So let's watch. Miss, can you tell me about mental health and physical activities? जी अहमद, जैसे कि आप मतलब देखते हैं आसपास, अगर हम स्टूडेंट्स को भी देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं या कोई ना कोई एंगजाइटी या किसी स्ट्रेस की का शिकार होते हैं. अब उसकी मेन वजह कोई स्टडीज़ भी हो सकती है या उसके अलावा भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उनको घर से कोई इशू हो. इस चीज़ को हमें स्टेबल कैसे करना है मेंटल हेल्थ को, उसका एक जो सिंपल सा वे है वो ये है कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर तवज्जो दें. जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स आजकल वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, यानी कि गेम्स वगैरह में, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते या उसके अलावा एक्सरसाइज नहीं करते. मैं खुद भी एक्सरसाइज करती हूँ. ये होता है कि जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे रनिंग करती हूँ, तो मुझे एक बहुत किस्म का ना एक माइंड को एक पीस मिलता है, एक सुकून मिलता है. लेकिन जिस दिन मैं ना करूँ तो मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है जैसे आज दिन में कोई कमी रहती है. थैंक यू. मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है, एक स्पेशली लड़कों के लिए ज़्यादा इशू है कि उनके रिलेशनशिप इशू होते हैं, फैमिली इशू होते हैं, यूनिवर्सिटी के मार्क्स इशू होते हैं. तो उसमें काफ़ी तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से वो अपनी मेंटल हेल्थ को सही कर सकते हैं. वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से उसको मेंटल हेल्थ की उसको फेस करना पड़ रही है. उसमें काफ़ी सारी डिफरेंट एक्टिविटी होती हैं जिससे वो अपनी मेंटल हेल्थ सही कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. एक दानिश्वर है, उसने क्या खूब कहा है कि एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है. तो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का मैं ये कहना चाहूँगा कि बंदा एक्सरसाइज करे, क्योंकि जितना एक्सरसाइज करेगा उतना उसके मसल्स बढ़ेंगे और मतलब जिस्म उसका एक्टिव रहेगा और उसका दिमाग भी एक्टिव रहेगा और वो काम करेगा. इसलिए हमें सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और मतलब खुश रहना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए. मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो एक दिमागी तौर पर जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरा तीसरा जो लड़का है वो डिप्रेशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से ना डिप्रेस होता है. मैं जो मेंटली उसका दिमाग ख़राब हो चुका होता है अक्सर माशरे में उनकी जो बहुत अगर एक लड़की से उसकी ना बनी तो मेंटली वो बीमार. जो स्टूडेंट्स हैं उनके अफेयर्स होते हैं, ब्रेकअप हो गए, मेंटली दिमाग ख़राब, पागल हो गए. और अगर फिज़िकल अगर हम बात करें तो फिज़िकली ये है कि आप फिज़िकल अपने आप को एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ करें, सुबह सवेरे उठें, मॉर्निंग वॉक, योगा करें और लॉन्ग ब्रीथिंग करें, जिस्म को सुकून करें. अगर सुकून चाहते हैं तो लॉन्ग ब्रीथिंग करें. इसी तरीके से आप में आइए जो एक फिज़िकली जो बंदों का मियार होगा, आपका जिस्म एक्टिव होगा. डांस करें, डांस भी एक फिज़िकल है. थैंक यू सो मच. मेंटल हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और आजकल हर दूसरा इंसान डिप्रेशन का शिकार है, जिसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें और एक्सरसाइजेस करें ताकि हम इस चीज़ से बच सकें और हमारी हेल्थ बेटर. थैंक यू. फिज़िकल एक्टिविटीज़ आजकल बहुत कम हो गए स्टूडेंट्स के अंदर. इस तरह से यंग जनरेशन थी, पहले स्टेट क्रिकेट खेला करती थी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मुलविस थी. तो आजकल जिस तरह से हम देखें तो स्टेट एक्टिविटीज़ हो गई या डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो गई, स्टूडेंट्स ने बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब बच्चों ने बिल्कुल ये चीज़ों में ध्यान देने छोड़ दिया. जिस तरह से अब हम देखें कि पहले बच्चे बाहर जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, डिफरेंट होती थी, फोक गेम्स होती थी हमारी. लेकिन आजकल जिस तरह से अगर हम बात करें ना तो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर गेम्स तो हैं, एक्टिविटीज़ तो लोग इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन उससे जो मेंटल हेल्थ है ना वो बच्चों की बहुत डिस्टर्ब हो गई. तो जी मेंटल हेल्थ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेंटल हेल्थ, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हम लोग डेली बेसिस पे मेंटल हेल्थ से डील कर रहे होते हैं, हमें लगता है हमारी जो असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन का जो स्ट्रेस होता है ना हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं. और मेंटल हेल्थ को ठीक रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने अपने गोल्स बनाए और उनको अचीव करना है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखें. मेंटल हेल्थ को हम कैसे सही रख सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर फोकस करें. फिज़िकल एक्टिविटीज़ रनिंग हो सकती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है. बैडमिंटन इज़ अ गुड वे टू डील विद योर एंग्जाइटी स्ट्रेस. और अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करें, वो भी एक अच्छा सोल्यूशन है आप एंग्जाइटी. और कोशिश करें कि जो भी मेंटल स्ट्रेस हो ना उसको अंदर नहीं रखें, उसको बाहर निकलें. आप दोस्त बनाते क्यों, दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू.